उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम किया है, जिसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। देश और प्रदेश की जनता ने भाजपा को हमेशा प्यार और सम्मान देने का काम किया है। मोदी जी और योगी जी ने जो देश और प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का काम किया है, सभी धर्मों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाना, सभी को एक साथ लेकर चलना, किसी भी जाति विशेष से बिना भेदभाव किए सभी के हितों में अनेकों योजनाएं लाना और उनका लाभ दिलाना, उनका सबको भाजपा ने अपना एकमात्र लक्ष्य बनाकर कार्य किया है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का कार्य किया है। आपके सहारनपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य किया है, जिस पर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। आपके सहारनपुर को मां शाकंभरी विश्वविद्यालय अगर किसी ने देने का काम किया है तो वो हमारी भाजपा सरकार है, योगी जी हैं, तो सब मुमकिन है। वहीं भागीरथ जयंती पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सैनी समाज के लोगों को उप मुख्यमंत्री ने बताया और कहा कि सहारनपुर का सैनी समाज मेरी तरफ उप मुख्यमंत्री है और 2024 में सब लोग मिलकर दोबारा एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का काम करेंगे। इस बार पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने जा रहे हैं। यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी योजना है, यद्यपि उत्तर प्रदेश उसमें बहुत आगे है। सहारनपुर में भी तीव्र गति से हर घर नल से जल पहुँचाने और जहाँ से होकर पाइपलाइन जाए उस मार्ग को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जो हमारे राशन के उपभोक्ता हैं, समय से राशन वितरण की प्रक्रिया पूरी हो, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। आयुष्मान भारत कार्ड के जो लाभार्थी हैं उनको इलाज की सुविधा मिले और बड़ी संख्या में कुछ वंचित थे उनके लिए मुख्यमंत्री आरोग्य योजना में भी उनको लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण या शहरी, उस दृष्टि से भी सरकार ने प्रयास किया है और जिला एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त करने का काम किया है। मैं इतना ही आज यहाँ पर कह सकता हूँ कि आज हमने यहाँ मेडिकल कॉलेज जो है उसके नाम के प्रस्ताव का यहाँ माननीय जनप्रतिनिधिगणों ने कहा है कि उसको बदलने का, स्वागत प्रस्ताव भेजने का मिनट्स के माध्यम से यहाँ से जाएगा, लेकिन सरकार सहारनपुर के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। पॉपुलर के जो किसान हैं, अभी 40 आरा मशीनों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसे और बढ़ाने का प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है माननीय उच्च न्यायालय और एनजीटी के माध्यम से 1900 जो मशीनें हैं उनको चालू करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जो प्रदेश में विशेष तौर से हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के राज्य मंत्री भी आपके ज़िले से ही हैं और वहाँ पर भी जो आवेदन करेगा उनको भी फैसिलिटी उपलब्ध कराने का सरकार ने निर्णय लिया है। मैं बहुत सारी बातें हैं, अभी आज सब आप जानते हैं कि जिन्होंने इस धराधाम पर पतित पावनी माँ गंगा को लाने के लिए घनघोर तपस्या करके और गंगा मैया को धरती पर लाए हैं, मैं प्रयागराज का हूँ, चूँकि गंगा मैया वहाँ नहीं पहुँचती तो शायद प्रयागराज में जो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है उस क्षेत्र से मैं आता हूँ, या कहने का गौरव मुझे नहीं मिल पाता, लेकिन आज इस बात का गर्व है कि उन्हीं की जयंती समारोह में भी मैं शामिल होऊंगा। इतना निवेदन है, कोई एक का सवाल हुआ आपको? सर, एक प्रश्न ये है, देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।